गुरु पूर्णिमा और साल 2019 के आखिरी चंद्र ग्रहण के बाद 17 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो गया है। इस पूरे महीने भगवान शिव की पूजा की जाती है। भोलेनाथ के भक्त कावड़ लेकर हरिद्वार और देवघर जाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अन्य दिनों के मुकाबले भगवान शिव सावन के महीने में जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस वजह से पूरे सावन के महीने शिव शंकर की पूजा पाठ की जाती है। शिवलिंग का जल अभिषेक किया जाता है, भोले भंडारी की आराधना की जाती है। वहीं अगर बात की जाए नरसिंहपुर की, तो यहाँ पर भी हर साल शिव भक्त कावड़ यात्रा लेकर यहाँ आते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रामपुर में खूनी हाथियों के आतंक से आखिरकार छुटकारा मिल ही गया। आंध्र प्रदेश और कोलकाता से आई टीमों ने ऑपरेशन करते हुए नशे की गनों से नशा देकर दोनों हाथियों को बेहोश करके क्रेन द्वारा दुधबा नेशनल पार्क के जंगल में भिजवा दिया। यूपी के मेरठ में रिटायर्ड शिक्षक के घर बदमाशों ने धावा बोल दिया और लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने घर में मौजूद बुजुर्ग दंपत्ति से मारपीट भी की। इस मारपीट में दंपत्ति घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देर रात हुई घटना है, सुबह पुलिस के संज्ञान में आया कि कुछ मारपीट करके पैसे लूटने की बात फैल रही है। मौके पर एसपी सिटी की एक टीम और एक क्षेत्र अधिकारी की दो टीमें बनाकर फील्ड यूनिट के साथ भेजी गई है और इसमें जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उस आधार पर पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित। सर, कितने रुपए की लूट और कितनी ज्वेलरी की सामने? अभी तारीख में कोई अमाउंट और ज्वेलरी की क्वांटिटी उन्होंने नहीं दी है, जैसे देंगे उसको उसमें ऐड कर लिया। सर, बदमाश कितने बताए जा रहे हैं? तीन की संख्या बता रहे हैं अभी तक। तो जो प्रोफाइल क्या है, जो बुजुर्ग लोगों की प्रोफाइल क्या है, क्या शिक्षक रिटायर है? एक 10 साल पहले रिटायर हो गई है और एक कोई दूसरे हैं, उनके हस्बैंड, वो कोई आरा मशीन बगल में है, उसका उनके पास लाइसेंस था। क्या लग रहा है सर? जांच हो रही है, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। जांच हो रही है, दो टीमें बना दी गई हैं और वो जो भी तहरीर दे रहे हैं उसे मानकर यहाँ ये घटना हुई होगी, कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी हमके सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीजों के आधार से जो सामने आएगा, उस आधार पर जो फैक्ट सामने आएंगे, आप लोग से हम लोग शेयर कर लेंगे। थैंक यू सर। एक जालौन में उच्च न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अधिकारियों ने जिले में चल रहे वृद्धा आश्रम और अन्य आश्रमों का निरीक्षण किया और यहां बारीकी से सभी सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही वहां मौजूद कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। जहांगीराबाद ब्लॉक प्रमुख पद पर उपचुनाव 19 जुलाई को होना था, जिसमें पूर्व प्रमुख पिंकी देवी और राजवती ने 17 तारीख को अपना नामांकन किया था, जिसमें आज नाम वापसी के दिन पिंकी देवी ने अपना नाम वापस ले लिया और अब तेजवती का ब्लॉक प्रमुख चुना जाना लगभग तय हो गया है। अब ब्लॉक प्रमुख पे जहांगीराबाद पे निर्विरोध निर्वाचित हुई हो, क्या कहना, कैसे महसूस कर रही हैं आप? सभी को सम्मान कर रहा हूं, क्षेत्र में विकास करोगे क्या? क्या नाम है आपका? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ऑपरेशन क्लीन जारी है। इसी क्रम में देर रात को अलग अलग इलाकों में बुलंदशहर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार के इनामी बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए। बुलंदशहर की देहात पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश लोकेश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शिकारपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी आरिफ को मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया। बदमाशों की गोली से एक सिपाही भी घायल हो गया है। घायल सिपाही को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सब गोली लगे दो बदमाशों को यहाँ अस्पताल में लाया गया था, क्या पूरा मामला है आपकी जानकारी? एक बदमाश आए थे लोकेश भाटी को लेकर के आए थे पुलिस, उसके पैर में गोली लगी हुई थी, उसको हमने भर्ती कर लिया। एक शिकारपुर CSC से हमारे पास रेफर होकर के आए थे, उसको MLC कर दिया है, वो मेरठ में पड़ोसी ट्रक चालक द्वारा एक किशोर से कुकर्म करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आपका नाम? कमलेश। ये जो आपके बच्चे के साथ घटना हुई है, क्या मामला? पूरा ये मामला है, ये लेके गया था कपिल और हमारी की पता ना लगा तो मैं रिपोर्ट लिखाने की लिखी नहीं मेरी रिपोर्ट। किसने नहीं लिखी रिपोर्ट? दरोगा साहब ने। क्या बोले? ये बोले लड़का आ जाएगा जब रिपोर्ट लिखेंगे।
आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी? हाँ, लिखवाने की गए थे, लिखी नहीं उसने, दरोगा साहब ने लिखी नहीं। अच्छा, आपके लड़के के साथ क्या घटना हुई थी? बदतमीजी करी थी उसने, मारपीट करी थी। और लाइटिंग रास्ता वाने गलत करा था। आपका नाम? आपके साथ जो घटना हुई है पूरा मामला क्या है? मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मेरे को बहुत मारा, मेरे साथ गलत काम किया। किसी ने किया? उसने, कपिल ने। कपिल कौन है? हैं? जानते हो आप उसे? कहाँ का रहने वाला? मैं गई हूँ। कब गए थे आप? हम गए 30 को, मेरे सामने 3 रात और 1 दिन करवा। गंगापुर सिटी में दारुल कजा का कयाम व जलसाए आम रखा गया, जिसमें अपनी जिंदगी को इस्लामी तालीम के मुताबिक बनाने और अपने मामलात, खासकर निकाह, तलाक, खुला वरासत, औरतों के हुकूक और दूसरी घरेलू परेशानियों के फैसले इस्लामी शरीयत के मुताबिक कराए जाने की बात कही गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में औरतों ने भी शिरकत की। जी, आपने ये जो प्रोग्राम किया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोग्राम है जी दारुल कज़ा का, जी और इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड मशहूर तंजीम मुसलमानों के सारे जी हर ख्याल के वफ़ाद उसमें हैं, तो उसकी तरफ से उनके मुस्लिम इलाकों में जिला में दारुल कज़ा कायम किया जाए। इसका मकसद यह है कि मुसलमानों के आपस में सेफ्टी मेटर्स खासकर होते हैं उनको सुलझाने की कोशिश की जाए, बजाज के क्यों अदालत कोर्टों में जाएं, उसको हैं उनका पैसा लगे यहाँ बिठा के उनको उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती है जी। तो ये काम चल रहा है, बहुत से इलाकों में हो चुका है, 72वां दारुल कज़ा और इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड का जो कायम हो रहा है जी। तो इसके बड़े अच्छे नतज हैं कि समझिए कि जो मामला आते हैं हमारे यहाँ वो तकरीबन सारे के सारे दोनों फरीक की रजामंदी से जाकर मामले को हल किया जाता है। तो हमारी जो खुद अदालतों का जो बोझ है खदमत केसेस का कमी कोर्ट पर इस पुलिस पर उसमें कमी आती है जी। बज दफ़ा तो जो हमारे बहुत से जगहों पर थाने के लोग भी पुलिस वालों भी रब्ता करते हैं कि ये मसला है तो सुलझा दीजिए। इस अंदाज से भैया पूरे मुल्क में कोशिश हो रही है ताकि ये जो कमी मुझे दरखास्त रहते थे उसको हम हल करें और ज़्यादा तलाक का भी होगा या मतलब सारे ही मसले मतलब इसमें क्या क्या मसले रह गए आपके? देखिए, तलाक वलाक तो इसमें नहीं आता, तलाक तो अपना शोहर कब जिसे देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो अपना मसला पूछेगा जी, तलाक की कार्रवाई इसमें नहीं होती जी। इसमें तो खासतौर से औरतें हमारी आती हैं जो परेशान होती हैं कि शोहर के जुर्म से कि शोहर उसका हक नहीं अदा कर रहा है, नहीं ले जा रहा है, खर्चा नहीं दे रहा है। अच्छा सर, इसमें कौन कौन से मसले सुलझाए जाएंगे? इसमें आमतौर से भी फैमिली मिसाइल जो हैं जी जो होते हैं कि औरत के हकूक अदा नहीं हो रहे हैं जी, शौहर उनका खरीदा पड़ रहा है, निकाह हो गया दे नहीं जा रहा है, खर्चा नहीं दे रहा है जी, या बच्चों का खर्चा नहीं दे रहा है, इस तरह के मसाइल या आमतौर से यहाँ जाहिर होते हैं। और समझिए कि 80% बल्कि 80 से ज़्यादा ही औरतें ही आती हैं अपने मसाइल को लेकर।